इंदौर में एक तरफा दोस्ती के लिए दबाव बनाने पर बीकॉम की छात्रा ने जान दे दी। दोस्त उस पर मिलने के लिए लगातार दबाव बना रहा था, जिससे वह तंग आ गई थी। वह उसे चेतावनी दे रही थी कि फांसी लगाकर जान दे देगी। इस संबंध में पुलिस को कुछ मोबाइल चैट्स भी मिले हैं, जिसके आधार पर जांच होगी। द्वारकापुरा थाने के TI सतीश द्विवेदी के मुताबिक घटना श्रद्धा सबूरी कॉलोनी की है, जहां दीक्षा मांडवे उम्र 24 वर्ष ने रविवार देर शाम अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। जब उसकी छोटी बहन ने देखा तो माँ और भाई को जानकारी दी। परिजन रविवार रात को ही युवती को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहां सोमवार सुबह उसका पोस्टमार्टम किया गया। दीक्षा माहेश्वरी कॉलेज में BCom फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। परिवार में छोटा भाई और एक बहन है। पिता सिगरेट कंपनी में काम करते हैं। पूछताछ के दौरान परिवार ने दीक्षा का मोबाइल पुलिस को सौंपा। दीक्षा की व्हाट्सएप चैटिंग में एक लड़के से बातचीत मिली। आस्था पैलेस में रहने वाला दोस्त उस पर जबरन मिलने के लिए दबाव बना रहा था। दीक्षा मिलने से मना कर चुकी थी। TI के मुताबिक उसके मोबाइल में दो नंबर भी मिले हैं, जिनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है। परिवार ने अभी पुलिस द्वारा जांच किए जाने की बात कही है।